नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री कर्णी एकेडमी एंड एजुटेक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, हम कक्षा 11 के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट की बात कर रहे हैं, उसमें दूसरा हमारा चैप्टर है। इस चैप्टर में हमने मूल अधिकारों की बात की और दो मूल अधिकार हमारे हो गए थे। उसमें पहला समानता का था और दूसरा था वो कौन सा था, स्वतंत्रता का। समानता और दूसरा था स्वतंत्रता। आज हम तीसरा जो मूल अधिकार है उसको पढ़ेंगे और वह हमारा तीसरा जो मूल अधिकार महत्वपूर्ण है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसी व्यक्ति का शोषण हो रहा है, उससे बलपूर्वक है जबरदस्त किसी से कार्य करवाया जा रहा है, जबरदस्त कार्य करवाया जा रहा है, या बच्चे हैं जिनको खतरनाक कारखानों में वो कार्य करवाए जा रहे हैं। ऐसे बच्चे जिनकी आयु है वो 14 साल या 14 साल से कम आयु के बच्चे हैं, उन्हें जबरदस्त कारखानों के अंतर्गत काम करवाया जा रहा है। तो उससे बच्चों को जो निजात दिलाना, उनसे बच्चों को जो सुरक्षा देने हेतु जो हमारा मूल अधिकार होगा वो आर्टिकल 23 और 24, जिसमें शोषण के विरुद्ध का अधिकार है कि किसी भी व्यक्ति के साथ है वह गलत करते नहीं हो, किसी भी व्यक्ति का शोषण है वो नहीं हो। तो अनुच्छेद कौन से लेकर है, अनुच्छेद 23 व अनुच्छेद 24, दो अनुच्छेद के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख भाग वही सेम 3 में क्या कह रही है, इसकी परिभाषा, इसकी शब्दावली को आप देखिए क्या कह रही है। कह रही है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार अपने देश में करोड़ों लोग गरीब हैं, दलित, शोषित और वंचित हैं, या लोगों के द्वारा उनका क्या किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। यानी ये अधिकार की, इस अधिकार की हमें इसलिए आवश्यकता हुई कि हमारे देश के अंतर्गत एक बहुत बड़ी जो आबादी है वो गरीब है, बहुत बड़ी आबादी जो दलितों की, शोषित लोग हैं जिनका लंबे समय तक शोषण हो रहा है, उनको लंबी समय अवधि से समाज की मुख्य धारा से उनको वंचित किया गया। तो ऐसे लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने, समाज में समानता कायम करने हेतु हमने है वो शोषण के जो विरुद्ध एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत प्रोविजन किया कि सभी को है वो समान दर्जा दिया जाए। ऐसे शोषण को अपने देश में बेगार या फिर बंधुआ मजदूरी के रूप में भी जाना जाता है। एक दूसरा है बंधुआ मजदूरी या फिर बेगार प्रथा। बेगार प्रथा के अंतर्गत क्या है कि किसी भी व्यक्ति को है वो कोई काम करवाया जा रहा है, किसी से न्यूनतम पैसों में अधिकतम काम करवाना, या फिर उन्हें नहीं के बराबर पैसा दिया जा रहा है, या बिल्कुल एक तरीके से वो बेगार कर रहा है, या उसे केवल खाने के लिए या पहनने या कपड़े या रहने तक की फैसिलिटी दी जा रही है और उस व्यक्ति से ज़्यादा काम करवाया जा रहा है। तो ये बेगार है और बंधुआ मजदूरी है वो सबसे बड़ा मुद्दा रहा था लंबे समय से। बंधुआ मजदूरी और बेगार प्रथाएं वो हमारे समाज में इस कदर तक आवी थी कि उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ये प्रोविजन करना पड़ा कि इस बंधुआ मजदूरी को समाप्त करना जरूरी है, क्योंकि ये बंधुआ मजदूरी और बेगार प्रथाएं समाप्त नहीं होगी तब तक व्यक्ति का है वो शोषण होने से नहीं रोक सकता। और इस प्रकार एक शोषण में लगे हुए लोगों को दास के रूप में खरीदा और बेचा जाता था। ये क्या हो रहा है, इतना बड़ा शोषण है, एक व्यक्ति है दास के रूप में उसको बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, दास है, उससे जो संतान हुई उनके भी अलग अलग जो पुत्र उनको दास दासी के रूप में हमने आगे बेचा, किसी ने और खरीदा। तो इस प्रकार की एक जो व्यवस्था चली वो एक निरंतर शोषण की एक श्रृंखला थी, शोषण की एक बड़ी कड़ी थी, उस कड़ी को समाप्त करना बहुत ही जरूरी था। और इन दोनों पर शोषण का जो अधिकार, शोषण के विरुद्ध का जो अधिकार है वो संविधान द्वारा दिया गया और शोषण के विरुद्ध के अधिकार के द्वारा क्या किया गया, इन पर प्रतिबंध लगाने का कार्य हुआ। पुराने समय में जमींदार, सूदखोर यानी महाजन जो ब्याज और लेने का काम कर रहे हैं, और अन्य धनी लोग हैं वो बंधुआ मजदूरी करवाते थे, गरीब व्यक्ति हैं उनसे क्या करा रहे, बंधुआ मजदूरी करवाने का काम कर रहे हैं। कम पैसे के अंतर्गत है, कोई जमींदार है उसके आगे जो व्यक्ति रह रहा है कोई खेत में काम कर रहे हैं वो उसे न्यूनतम मात्रा में पैसा दे रहा है, कम से कम पैसा दे रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा खेतों में काम करवा रहा है, अन्य काम करवा रहा है। कोई सूदखोर है, कोई गांव का महाजन है, कोई धनी सेठ है, तो उसके पास से मुझे
कोई पैसे चाहिए मेरी जरूरत पड़ी तो मुझे पैसे देगा, तो उसके बदले में ज़्यादा काम भी करवाएगा, वापस पैसे भी लेगा, ब्याज भी लेगा। तो इस तरह की जो धनी लोगों के द्वारा ये व्यवस्था जो समाज में बनाई गई थी, जो सबसे ज़्यादा समाज में व्यक्तियों का शोषण, गरीब लोगों का ज़्यादा शोषण करने का कार्य कर रही थी। देश में अभी भी खास तौर से जैसे भट्टे के काम में बंधुआ मजदूरी है वो करवाई जाती है। अब इसे अपराध घोषित कर दिया गया है और कानून के द्वारा क्या है बच्चों, ये दंडनीय। तो ये आर्टिकल कौन सा है कि जो इस बात को दंडनीय अपराध ठहराता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ है वो शोषण नहीं हो सकता। तो हमारे संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार में इस प्रकार की व्यवस्था की गई, अनुच्छेद 23 और 24 में जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है उसमें कहा गया कि किसी भी व्यक्ति के साथ है वो शोषण नहीं हो सकता। और यदि बेगार प्रथा या ये बंधुआ मजदूरी करवाई जा रही है या जबरदस्त काम करवाया जा रहा है तो इसके तहत है वो व्यक्ति को जेल हो सकती है, सजा हो सकती है, उसको दंड मिलेगा। तो ये आर्टिकल कौन सा है, संविधान का मूल अधिकार 23 और 24, मूल अधिकार तीसरा। इसमें कहा गया, इसकी जो लैंग्वेज है उसको पढ़िए, ये कह रहा है कि इस प्रकार बाल श्रम को अवैध बनाकर और शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बनाकर शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकारों को अर्थपूर्ण बनाए जा सकते हैं। अब जो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इस अधिकार को क्या है, इस अधिकार को लागू करेंगे और जो बाल श्रम, जो बच्चों से काम करवाया जा रहा है कारखानों के अंतर्गत, छोटे बच्चों से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनसे खतरनाक कारखानों में काम करवाया जा रहा है, तो इसको है वो अवैध घोषित कर शिक्षा का जो अधिकार है उसको मौलिक बनाकर बच्चों को है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है उसके तहत समाज में क्या की जा सकती है, समानता की जा सकती है। जो ये शोषण जैसी व्यवस्था है इस शोषण को क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। ठीक, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि संविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या अन्य किसी खतरनाक काम में नियोजित नहीं किया जाएगा। यह आर्टिकल 24 की लैंग्वेज है, यह आर्टिकल 23 की लैंग्वेज है कि बलात्श्रम से निषेध होगा। बाल श्रम है, इसकी जगह बलात्श्रम लिख लो तो अभी कोई दिक्कत, यानी बलपूर्वक किसी से काम करो। अनुच्छेद 23 में कहा गया है बलात्श्रम से निश्चित, यानी बलपूर्वक काम नहीं करवाया जाएगा, बलपूर्वक कार्य नहीं करवाया जाएगा अनुच्छेद 23 के तहत। और अनुच्छेद 24 के तहत है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको किसी भी तरह के खतरनाक कारखानों में काम नहीं करवाया जाएगा, या फिर कोई खदान है, जो खान है उनमें पत्थर की खान है या फिर अन्य तरह की जो खदानें हैं उनमें काम नहीं करवाया जाएगा। और अनुच्छेद 24 के तहत इस व्यवस्था को समाप्त किया गया। तो ये अनुच्छेद जो 23 और 24 है वो शोषण के विरुद्ध व्यक्ति को अधिकार देने का काम कर रहे हैं। अगले अधिकार पर हम बढ़ेंगे, चतुर्थ क्रमांक का जो हमारा मूल अधिकार है जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या कह रहा है, व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता देने का काम कर रहे हैं। चूंकि आप देखोगे भारत है वो धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राष्ट्र, कैसा है हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष का क्या आशय हुआ, धर्मनिरपेक्ष का आशय ये हुआ कि जो राज्य या देश, राज्य को या देश को पॉलिटी राजनीति के अंतर्गत राज्य शब्द है वो देश के संदर्भ में ही आता है। तो राज्य किसी भी धर्म को है वो राजधर्म नहीं बनेगा। धर्मनिरपेक्षता कह रहे हैं कि राज्य किसी भी धर्म को राजधर्म नहीं घोषित करेगा, कोई भी धर्म उसको राजधर्म है वो घोषित नहीं करेगा, ये राज्य का कार्य होगा। यानी भारत में क्या है, धर्म निरपेक्षता, ठीक है, धर्म निरपेक्षता है। यानी सभी धर्म है वे अपने अपने अबाध रूप से धर्म का प्रचार कर सकते हैं, अपने धर्म का पालन कर सकते हैं और राज्य किसी भी धर्म के अंतर्गत है वो हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसके लिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है कि अलग अलग व्यक्ति अपने धर्म का पालन करने को स्वतंत्र थे। तो हमारे अपने संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने का अधिकार,
यानी जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहता है कि कोई भी व्यक्ति है उस व्यक्ति को अपने पसंद के धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता होगी, और ये जो पसंद की चीज है, ये जो स्वतंत्रता है, ये लोकतंत्र का सबसे अच्छा प्रतीक माना गया, क्योंकि आपको ये जो स्वतंत्रता दी, आप किसी भी धर्म को मानो, ये सबसे और सबसे खूबसूरती जो विशेषता होती है किसी भी लोकतंत्र की, वो धार्मिक स्वतंत्रता की है कि धर्म के आधार पर आप किसी भी तरह का कोई भेदभाव है वो नहीं करोगे, धर्म के आधार पर कोई धर्म श्रेष्ठ है कोई कमजोर है ऐसी बात नहीं करोगे कि सभी धर्म है वो अच्छे हैं, और राज्य ये नहीं करेगा कि एक धर्म को बढ़ावा देने का काम करे, दूसरे धर्म को है वो समाप्त करने का या दबाने का कार्य करे, तो ये नहीं करेगा। और भारत के अंतर्गत भी धार्मिक स्वतंत्रता के तहत क्या हुआ कि राज्य ने ये छूट दी कि व्यक्ति कोई भी अपनी पसंद का धर्म का पालन कर सकता है, यदि वह मुस्लिम धर्म का और उसको हिंदू धर्म की कुछ बातें अच्छी लगे तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी अपने पसंद के आधार पर है वो आप स्वतंत्र हैं। इतिहास गवाह है कि दुनिया के अनेक देशों के शासकों और राजाओं ने उस देश की जनता को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया, और धर्म की स्वतंत्रता, धर्म को मानने वाले लोगों को, अलग धर्म को मानने वाले लोगों को या तो मार डाला गया या विवश किया गया कि वे दूसरे धर्म को क्या करें, पालन कर सके। अतः लोकतंत्र में अपनी इच्छा के अनुसार धर्म का पालन करने की हमेशा एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया। तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी भी सफलता यही है कि आप धार्मिक आधार पर किसी भी तरह का है वो भेदभाव नहीं करोगे और सभी धर्मों को काम करोगे, बढ़ावा देने का काम करो तो सभी धर्मों को करो, नहीं तो आप किसी भी धर्म को बढ़ावा मत को, व्यक्ति स्वतः अपने धर्म का पालन करेगा, उसकी अपनी पसंद अपनी इच्छा शक्ति के आधार पर है वह व्यक्ति धर्म का पालन करेगा, उसमें राज्य को किसी भी तरह की ये आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक है, वो धार्मिक स्वतंत्रता का दिया गया अधिकार। किसी भी व्यक्ति की किस धर्म में आस्था है वह उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करेगी। अगले अधिकार पर हम बढ़ेंगे। अगला जो हमारा अधिकार है वह है अल्पसंख्यकों को शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। कौन सा है? अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम है, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे वो मुस्लिम धर्म के हैं तो भी कुछ जगह हम उनको अल्पसंख्यक नहीं मानेंगे, क्योंकि वे शिक्षा और संस्कृति की दृष्टि से समृद्ध हैं तो उनको अल्पसंख्यक नहीं माना जाएगा। तो अलग अलग राज्यों के अंतर्गत व्यवस्था की गई अल्पसंख्यक, जैसे कि आसाम के अंतर्गत देखेंगे तो मुसलमानों को हमें अल्पसंख्यक नहीं मानेंगे, क्योंकि वहाँ मुसलमानों की संख्या है वो अधिक है और शिक्षा और संस्कृति उनकी समृद्ध है तो हमें अल्पसंख्यक मानने की कोई आवश्यकता नहीं। कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जो हिंदू हैं या अन्य लोग हैं वे अल्पसंख्यक, क्योंकि उनकी संस्कृति है वो लगभग समाप्त हो रही है, बाकी वहाँ के जो धार्मिक समूह हैं वो अपने संस्कृति को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, उनको समाप्त करने का कार्य कर रहे हैं। तो जो संविधान में एक व्यवस्था अपनाई कि अल्पसंख्यक किसी को माने तो उस मानने का आधार क्या रखा जाए, तो बच्चों जो अल्पसंख्यक मानने का आधार है वो बेसिक 2 आधार रखेगी। कोई व्यक्ति अल्पसंख्यक है या तो भाषा के आधार पर होगा या संस्कृति के आधार पर, 2 आधारों पर अल्पसंख्यक कहा है वो कॉन्सेप्ट दिया हुआ, 2 आधारों पर अल्पसंख्यकों का वर्णन किया गया। क्या कह रहे हैं कि किसी समुदाय को केवल धर्म के आधार पर है वो नहीं, बल्कि भाषा और संस्कृति के आधार पर है वो अल्पसंख्यक माना जाएगा। तो आप अल्पसंख्यक की परिभाषा दोगे तो कोई किसी भी समुदाय को, किसी भी पंथ को है वो धर्म के आधार पर है वो अल्पसंख्यक नहीं माना जाएगा, बल्कि 2 आधार पर, एक तो भाषा और दूसरा संस्कृति के आधार पर उसको अल्पसंख्यक माना जाएगा। अल्पसंख्यक वह समूह है जिनको अपने एक भाषा या धर्म होता है और वह देश के किसी एक भाग में या पूरे देश में संख्या के आधार पर किसी अन्य समूह से छोटे हैं। क्या है? अन्य समूह से छोटे हैं, तो ऐसे को अल्पसंख्यकों की श्रेणी में रखा जाएगा। और जो हमारा जो अधिकार है 5वां नंबर का कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्कृति अपनी भाषा और लिपि को बचाए रखने का जो अधिकार होगा वो अनुच्छेद 29 और 30 में, और 5वें अधिकार अल्पसंख्यकों को शिक्षा और संस्कृति के अधिकार के तहत अपनी जो भाषा लिपि पहचान है अपनी संस्कृति को है वो बचाए रखने का क्या होगा बच्चों? अधिकार होगा। तो किसके तहत है? अनुच्छेद 29 व 30 के तहत है अल्पसंख्यकों को शिक्षा व संस्कृति को बचाए रखने का अधिकार होगा, शिक्षा
व संस्कृति को बचाए रखने का अधिकार होगा। ठीक है, तो ये अल्पसंख्यकों हेतु जो अधिकार दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जो पांचवें मूल अधिकार में और अनुच्छेद 29 व 30 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाषाई या धार्मिक, कोई भाषा या धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान खोलने, ऐसा करके वे अपने संस्कृति को सुरक्षित और विकसित कर सकते हैं और शिक्षण संस्थाओं को वित्तीय अनुदान देने के मामले में सरकार इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगी कि उस शिक्षण संस्थान का प्रबंधन किसी अल्पसंख्यक समुदाय के हाथ में। जैसे कि आपने देखा होगा मदरसा, मदरसा क्या कर रहा है, मुसलमान जो समुदाय के बच्चों को, मुसलमान समुदाय के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था का प्रबंध करता है, शिक्षा व्यवस्था का प्रबंध करता है। यानी जो मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके बच्चों के लिए सीमित शिक्षा है वो स्कूल और कॉलेजों में भी प्राप्त नहीं हो रही, तो ऐसी स्थिति में आप मदरसे खोल सकते हो, आपको छूट है। और यहाँ पर है वो सरकार भी आपको फंडिंग करेगी, उसमें किसी भी तरह की ये अपेक्षा या किंतु परंतु नहीं होगा कि सरकार है वो मदरसों को फंड या पैसे हैं वो क्यों दे रही, किसी भी तरह का है वो भेदभाव यहाँ पर नहीं हो सकता। यहाँ पर सरकार मदरसों को फंडिंग कर रही, तो सरकार का जो टारगेट है, सरकार का उद्देश्य है कि इनकी भाषा, इनकी जो संस्कृति है, इनकी जो लिपि है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो रही है, तो इसके लिए आप मदरसा शिक्षा के अंतर्गत आप अपनी भाषा में अपनी संस्कृति की शिक्षा दे सकते हैं, तो राज्य आपको है वो फंडिंग करेगा, राज्य आपको मदद करने का कार्य कर सकते हैं। तो ये बात आप अल्पसंख्यक किसके आधार पर, संस्कृति के आधार पर, आप भाषा के आधार पर है इसलिए आपको है वो सरकार अनुदान दिया जा रहा है, सहायता दी जा रही है ताकि आप अपनी भाषा लिपि संस्कृति को बचाए रख सकते हैं। इसलिए नहीं कि आप मुसलमान, इसलिए नहीं कि आप मुसलमान हैं इसलिए आप मदरसा को व्यवस्था है आपको सरकार फंडिंग करे, नहीं, इसलिए है कि आपकी भाषा आपकी संस्कृति है वो बची रहे ताकि आप मदरसा में शिक्षा दे सके। तो ये एक आधार है अपनी शिक्षा व संस्कृति को बचाए रखने का, ये सबसे बड़ा आधार है, इसी के आधार पर ही व्यक्ति को स्वतंत्रता होगी। तो मदरसे स्थापित करके मदरसों में शिक्षा दी जा रही है तो वो भी हमारी अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा हेतु है, वो सरकार ने इस प्रकार का कदम उठाया। अगले अधिकार पर हम बढ़ेंगे, हमारा जो अधिकार है महत्वपूर्ण अधिकार संवैधानिक अधिकारों का, संवैधानिक उपचारों का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, और ये एक ऐसा अधिकार है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बिना सारे के सारे अधिकार हैं वो व्यर्थ है। यदि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो संविधान निर्माता लोग थे उन लोगों ने इस अधिकार को नहीं बनाया होता तो सारे के सारे अधिकार हैं वो न गणे, उनका कुछ भी इतना बड़ा योगदान नहीं होता। तो सबसे जो महत्वपूर्ण अधिकार है वो सिक्स क्रमांक का, कौन सा है, छठे क्रमांक का संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का, उपचार का मतलब होता है इलाज, क्या करना, जो संविधान में हमें अधिकार दिए हुए और उन अधिकारों के क्या होने पर, बीमारी से ग्रस्त होने पर क्या करेगा, ये इलाज करेगा। बीमारी से ग्रस्त होने का क्या मतलब हुआ, बीमारी से ग्रस्त होने का मतलब ये हुआ कि हमारे लिए जो समानता का अधिकार है, अब वह अधिकार क्या हुआ, उसमें हम देखा था कि जो अस्पृश्यता का अधिकार 17 है लेकिन हमारे साथ तो भेदभाव हो रहा है, अब भेदभाव हो रहा है तो हम क्या करें, तो ये अधिकार उसका इलाज करेगा, क्या करेगा, ये आपको अधिकार दे रहा है कि आप एक काम करो, आप कोर्ट जाइए, आप जुडिशरी जाइए, आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट में जाइए और वहां पर याचिका दायर कीजिए कि साहब हमें यह आर्टिकल अधिकार दिया गया है फिर भी हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। तो ये एक ऐसा अधिकार है जो सभी अधिकारों के ऊपर और बचाने का काम कर रहा है, सभी अधिकारों के ऊपर एक तरीके से ढाल का काम कर रहा है, आवरण के तौर पर काम कर रहा है ताकि सभी अधिकारों की सुरक्षा की जाए। और ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद है वो 32 के अंतर्गत उल्लेखित, अनुच्छेद 32 में उल्लेखित। इस अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का है, संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा या हृदय का,
ये क्या है? ये संविधान के आत्मा है, हृदय है। इतना महत्वपूर्ण अधिकार है वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या कह रहा है ये, इसकी लैंग्वेज, इसकी जो शब्दावली है उसको आप थोड़ा सा देखिए। इस बात से हर कोई सहमत होगा कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की बड़ी और आकर्षक सूची दी हुई है, लेकिन अधिकारों की विस्तृत सूची देना ही काफी नहीं होती है, बल्कि ऐसी व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए ताकि उन अधिकारों को क्या किया जा सके, व्यवहार में लाया जा सके। क्या किया जा सके? व्यवहार में लाया जा सके, उन अधिकारों को लागू किया जा सके। और उन अधिकारों को लागू करने की जो सबसे बड़ी जड़ है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, तो व्यवहार में लाया जा सके। और यदि उनका उल्लंघन होता है तो उन अधिकारों की क्या की जा सके? रक्षा की जा सके। और उनकी रक्षा करने का जो काम कर रहा है वो कौन सा कर रहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार कर रहा है, अनुच्छेद 32 कर रहा है। क्या कह रहे हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह साधन है जिसके द्वारा क्या किया जा रहा है? सभी अधिकारों की सभी अधिकारों की रक्षा, सभी अधिकारों की रक्षा की जाएगी, वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत की जाएगी। क्या की जाएगी? इसके तहत हम क्या करेंगे, अलग अलग तरह की रिट है, अलग अलग तरह की याचिकाएं, अलग अलग तरह के जो प्रादेश है वो हम कोर्ट के अंतर्गत दायर करेंगे। क्या है? 5 तरह की अनुच्छेद 32 के तहत है वो रिट दायर की जाएगी। कितने तरह की? 5 तरह की, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत व्यक्ति अपने मूल अधिकारों का हल जो उल्लंघन होने पर क्या करेगा? कोर्ट जाएगा। 5 तरह की हैं वो याचिकाएं दायर कर सकते हैं। कौन सी पहली आएगी? प्रथम आएगी आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण से सुरक्षा, किसी भी व्यक्ति को किसी गलत करते हेतु उसे बंदी बना लिया गया तो उस हेतु है एक व्यवस्था बनाई गई कि उसको 24 घंटे की समय अवधि में या निश्चित समय अवधि में जुडिशरी के समक्ष उसको प्रस्तुत किया जाए। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण से सुरक्षा दिलाने के लिए जो रिट है वो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। परमादेश क्या है? परमादेश। परमादेश ने हम आदेश देते हैं। कौन देते हैं? हम आदेश देते हैं। जो न्यायालय है वो किसी पदाधिकारी को कहेगा कि आप अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यदि आपने नहीं किया तो न्यायालय आपको परम आदेश देगा कि आप अपने दायित्वों का सही तरीके से पालन नहीं कर रहे। निषेध, उत्प्रेषण और 5वीं है अधिकार प्रचार। अधिकार प्रचार, तो ये 5 तरह की रिट है वो आप कोर्ट के अंतर्गत क्या कर सकते हैं? अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में 5 तरह की याचिकाएं, 5 तरह की PIL लगा सकते हैं जाकर, ताकि आप अपने अधिकारों का उल्लंघन हो तो ऐसी स्थिति में बचाव का कार्य करें। तो न्यायालय कई प्रकार के विशेष आदेश जारी करता है जिन्हें प्रादेश या रिट कहा जाता है। इस बात का आप ध्यान रखें, आपको है वो ये परीक्षा के अंतर्गत सवाल पूछा जा सकता है कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसको बताएं, या इसे इस रूप में बताया जाएगा कि रिट किसे कहते हैं, विभिन्न रिटों का है वो वर्णन कीजिए। तो ये आपसे ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, तो इस बात का आप ध्यान रखना। क्या कह रहा है? इसमें 5 तरह की रिट है। प्रथम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या कह रहे हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रिट होगी उसके तहत कोर्ट यह आदेश जारी करेगा पुलिस को या राज्य को कि किसी व्यक्ति को आपने जो गिरफ्तार किया है उस व्यक्ति को निश्चित समय अवधि, निश्चित यानी 24 घंटे की समय अवधि को सामान्यतः आप उसको लाकर हमारे समक्ष है वो पेश कीजिए कि उस व्यक्ति को आपने किस तरह से गिरफ्तार किया, क्या उसका करते हैं। तो व्यक्ति को जो गिरफ्तारी और बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत है उसे सुरक्षा दिलाने का काम है वो अनुच्छेद 32 में बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत किया जाएगा। और कोर्ट है वो आदेश जारी करेगा कि व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष रजू कीजिए, उसको प्रस्तुत कीजिए। दूसरा क्या कह रहे हैं? दूसरी याचिका जिसका नाम है परमादेश। ये आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लेकिन धर्म के लिहाज से मैं लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी
अपने कानूनी दायित्वों का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। प्रमादेश का आदेश है वो कोर्ट उस समय जारी करेगी जब कोर्ट को लगेगा कि कोई व्यक्ति है वो सार्वजनिक पद पर बैठा है, जैसे कि कोई व्यक्ति है रमेश है वो SDM के पद पर बैठा है और वह अपने दायित्व का पालन सही तरीके से नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत परमादेश की रिट के तहत है वो कोर्ट आदेश जारी करेगा कि आप इस पद पर बैठे लेकिन फिर भी आप जनता के हितों के लिए कार्य नहीं कर रहे, तो वो परमादेश की रिट के तहत कोर्ट आदेश देगा कि आपने इस कार्य को किया नहीं। तीसरी जो रिट है वो है निषेध। क्या है निषेध? क्या करें? निषेध का मतलब होता है मना करना। कैसे मना करोगे वो देखिए। आदेश जो न्यायालय आदेश देता है जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें या तो सुप्रीम कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट है। ये क्या है? सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट और HC हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेध का आदेश जारी कर सकता है। निषेध का आदेश जारी कर सकता है यानी कोई निचली अदालत है, कोई DC है, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या मेट्रोपॉलिटन कोई शहरी कोर्ट है, तो वो अपने जो कुछ क्षेत्राधिकार तय किए कुछ नियम तय किए होंगे आपका यही है जो आप इस तरह के मुकदमों की सुनवाई करोगे, अब उससे बढ़कर वो अन्य मामलों की सुनवाई करता है तो ऐसी स्थिति में ऊपरी कोर्ट चाहे हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है वो उनको कार्य करने से क्या करेगा? निश्चित यानी मना करेगा कि आप ये काम नहीं कर सकते, आपके क्षेत्राधिकार से बाहर है, इसलिए आप उस कार्य को कहाँ ट्रांसफर करें? वो जो ऊपरी कोर्ट है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आप उसको ट्रांसफर कीजिए, आपको ये अधिकार नहीं है कि आप ये कार्य कर सके। तो ये जो आपका था प्रतिषेध का, ठीक है। फिर है अधिकार प्रचार। क्या है अधिकार प्रचार? क्या कहना अधिकार प्रचार उसको देख लीजिए। अधिकार प्रचार के तहत ये बात आई है कि कोई भी व्यक्ति, चौथा देखिए आप अधिकार प्रचार, अधिकार प्रचार के तहत जो ऊपरी कोर्ट है वो आदेश जारी करेगा। क्या करेगा कि कोई व्यक्ति है वह आप किस अधिकार के तहत कार्य कर रहे हैं, किस अधिकार के तहत कार्य करें, जैसे कि मेरा विषय है पॉलिटिकल साइंस पढ़ाना, मैंने ज्योग्राफी पढ़ाना शुरू कर दिया, अब ऊपरी ऑफिस से मुझे ऑर्डर आया कि आप किस अधिकार के तहत है वो ज्योग्राफी पढ़ाने का कार्य कर, क्या हमने आपको ये कार्य दिया था? नहीं, आपने मुझे ये कार्य ज्योग्राफी पढ़ाने का नहीं दिया, पॉलिटिकल का दिया, लेकिन आप ज्योग्राफी पढ़े। तो कोर्ट भी ऐसी व्यवस्थाएं कोर्ट अधीनस्थ कोर्ट को कहती है कि आप किस अधिकार के तहत ये कार्य कर रहे हैं। तो जो चतुर्थ क्रमांक की जो रिट है उसमें कहा गया है कि कोई भी जो कोर्ट है या कोई भी पदाधिकारी है वो किसी अधिकार के तहत आप कार्य कर रहे हो जबकि ये आपको काम करने का अधिकार ही नहीं है, तो उसके तहत न्यायालय ये प्रश्न पूछ सकता है कि न्यायालय किसी पदाधिकारी से यह प्रश्न पूछ सकता है कि आप किस अधिकार के तहत काम कर रहे। अगली जो है हमारा पांचवी तरह की रिट उत्प्रेषण है। पांचवी तरह के आप जाकर यदि रिट है वो दायर करोगे तो उस रिट को कहा जाता है उत्प्रेषण। देखिए क्या है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण ये है उत्प्रेषण पांचवे प्रकार की रिट। न्यायालय अधीनस्थ कोर्ट को आदेश देगा कि
आपने जो निर्णय लिया है उसमें कहीं ना कहीं पूर्ण न्याय नहीं हुआ, पूर्ण न्याय नहीं हुआ है। तो ऊपरी कोर्ट को आप पेश करें। जैसे कि न्यायालय ने क्या किया कि कोई व्यक्ति है उसके अपराध को दोष सिद्ध का काम है, वो अधीनस्थ कोर्ट ने है, वो उसको दोषी ठहरा दिया गया। मुझे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दोषी ठहरा दिया गया और मुझे लगा कि मेरे साथ वास्तविक रूप से न्याय हुआ ही नहीं, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत मैं उत्प्रेषण की रिट है वो जाकर सुप्रीम कोर्ट में दायर करूंगा और कहूंगा कि साहब मेरे साथ है वो पूर्णतः न्याय नहीं हुआ। तो उत्प्रेषण की रिट के तहत जो सुप्रीम कोर्ट एक आदेश जारी करेगी, हाई कोर्ट जो आदेश जारी करेंगे वो अधीनस्थ कोर्ट को कहेंगे कि आप एक काम कीजिए, आपने जो इस डिसीजन को देने का काम कीजिए, ये मामला है वो हमें ट्रांसफर कर दीजिए ताकि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है वो उस मामले पर सुनवाई करे। तो ये उत्प्रेषण की रिट के तहत ही क्या है, न्यायालय सुनवाई करने का कार्य करेगा, इस बात का आप ध्यान रखना। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दिया गया है और इसके तहत कोई भी व्यक्ति कहाँ है कोर्ट जा सकता है यदि उसके मूल अधिकारों का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। तो मूल अधिकारों के उल्लंघन पर आप बिल्कुल कोर्ट जा सकते हैं और जिसमें आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। क्या इनके अलावा कुछ और भी ऐसी संस्थाएं हैं जो मूल अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य कर रही, तो उसके लिए भी बिल्कुल कुछ संस्थाएं हैं जो मूल अधिकारों हेतु क्या कर रही हैं, काम करने का काम कर रही। वो कौन कौन सी हैं, जैसे कि आप देख लीजिए मानवाधिकार आयोग, कौन सा आयोग है, मानवाधिकार आयोग, फिर मानवाधिकार आयोग करके एक संगठन है 1993 के एक्ट के तहत लाया गया था और उस एक्ट के तहत कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति मानव और अधिकार, कोई व्यक्ति मानव है इसके लिए उसके साथ कोई गलत करते नहीं होना चाहिए, तो मानवाधिकार के लिए आया और वह व्यक्ति को किसी भी तरह का कोई शोषण हो रहा है या उत्पीड़न हो रहा है, उनके साथ हिंसा हो रही थी, ऐसी स्थिति में मानवाधिकार आयोग है वो कार्य करके। तो ये भी क्या है, ये भी एक तरीके से व्यक्ति के मूल अधिकारों की रक्षा हेतु काम करने का काम कर रहे हैं, मानवाधिकार जैसी संस्था काम करे। दूसरे इसमें एक और दी गई आपकी राष्ट्रीय महिला आयोग है, क्या है, राष्ट्रीय महिला आयोग है, यह भी महिला और के संबंधित जो मुद्दे हैं, महिलाओं की जो समस्या से संबंधित मुद्दे हैं उन मामलों की, महिलाओं के जो मूल अधिकार है उनसे संबंधित मामलों की जांच हेतु और रक्षा हेतु ये संस्था काम करे। अल्पसंख्यक है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति या जनजाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति या जनजाति आयोग, जनजाति आयोग, SC ST हेतु, SC ST हेतु भी कमीशन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति राष्ट्रीय जनजाति कमीशन है, वो भी इन लोगों के अधिकारों हेतु मूल अधिकारों की रक्षा के लिए क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग है, ये अल्पसंख्यक आयोग है, ठीक है, अल्पसंख्यक आयोग है वो अल्पसंख्यकों के लिए कार्य करेगा, महिला आयोग है वो महिलाओं के लिए कार्य करेगा और अनुसूचित जाति और जनजाति है वो दलितों के अधिकारों हेतु रक्षा करेगा। इसके अतिरिक्त मौलिक अधिकारों और अन्य अधिकारों की रक्षा के लिए कानून के द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। तो इस तरह की ये विभिन्न संस्थाएं हैं जो क्या है, व्यक्ति के मूल अधिकारों की रक्षा हेतु क्या कर रही है बच्चों, कार्य कर रही है। तो मोटे तौर पर हमने देखा कि जो मूल अधिकारों की हमारी व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं को लागू करने हेतु जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसमें बताया गया अनुच्छेद 32 के तहत आपके यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट जाने हेतु अनुच्छेद 32 है, इस बात का ध्यान रखना। और यदि आप हाई कोर्ट में जाना है ₹226 के तहत आप हाई कोर्ट जा करें, आप इस मामले से अवगत करवा सकते हैं, आपके अधिकारों की रक्षा होगी। इस प्रकार आज की जो हमारी क्लास में मूल अधिकारों से संबंधित हमने बात की, मुझे अपेक्षा है उम्मीद है कि आप लोगों को आज अब मूल अधिकारों के बारे में पूर्णतया है वो जागृति आ गई, जानकारी हो गई। यदि आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है
तो आप बिल्कुल कोर्ट जाइए और अन्य लोगों को भी हैं वो मूल अधिकारों से अवगत करवाइए, क्योंकि एक पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी के नाते संविधान की आपकी जो समझ है अन्य लोगों को भी समझ करवाने का आपका काम है, आपकी ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास को हैं वो आप अच्छी तरीके से देखें, और आपको यदि कोई बिंदु समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।